हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार और सहयोग दिया। हमें आगे भी यही आशा है कि हमें आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सांवर। सांवर बनाने के लिए हमें सब्जियों की आवश्यकता होगी। लौकी 300 ग्राम, बैंगन 200 ग्राम, सीताफल 200 ग्राम, टमाटर 300 ग्राम, हरी मिर्च 3 से 4, अदरक 4 से 5, हरड़ की दाल 100 ग्राम। और मसालों की आवश्यकता होगी राई 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, कड़ी पत्ता 8 से 9, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, सांभर मसाला 2 चम्मच, इमली का पानी या खटाई। सबसे पहले लौकी, बैंगन और दाल को प्रेशर कुकर में उबालेंगे। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को पीस कर टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। देखिए, अब सांभर के लिए सब्जियां उबल गई हैं और टमाटर की प्यूरी भी तैयार है। आइए तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें राई डालेंगे और थोड़ी देर चलाएंगे। उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और सूखी हुई लाल मिर्च डालकर थोड़ी सी देर भूनेंगे। मसाला भुन गया है, अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और भूनेंगे। अब बाकी के बचे हुए मसाले डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, अब मसाला भुन गया है, मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब मसाला भुनकर तैयार है। अब हम इसमें अपनी उबली हुई सब्जियां डालेंगे। अब इसमें पानी मिलाएंगे और पकने देंगे। अब इसमें इमली का पानी डालेंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। पकने के बाद इसमें नमक डालेंगे और 5 से 7 मिनट तक फिर पकाएंगे।
अब हमारी सांभर बिल्कुल तैयार है, आइए इसे सर्व करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अजंता क्रिएशन। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।